इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी सवाल पूछना चाहते हैं, इनको माइक लाइए प्लीज सर को। क्या है उनके पास? अमित जी, जो नोटबंदी का आपने स्टेप लिया है काले धन मिटाने के लिए, बहुत अच्छा किया है। मेरा जो ख्याल आता है कि अब ये काला धन खत्म भी हो जाएगा जो आप कह रहे हो, कि उसके बाद जो डिमांड होती है ब्यूरोक्रेट से, पुलिस ऑफिसर से, फैक्ट्री इंस्पेक्टर से, कि वो डिमांड ब्लैक मनी जो घूस मांगते हैं, ब्राइब मांगते हैं, वो कैसे खत्म होगी? उसका तो ब्लैक मनी फिर जनरेट शुरू हो जाएगा। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो हमारा घाटा हुआ है इन दिनों में, वहां अभी डबल मांगेंगे। अभी क्या मांगा गया? डबल ब्राइब मांगेंगे, क्यों? उनको इतना अभी घाटा पड़ा है कि आपका नोटबंदी से, कि अभी वो जो रूल्स रेगुलेशन जो है वो तो चेंज हो ही नहीं है, और आपके जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप अभी भी नीचे हैं सब वर्ल्ड में, तो न्यू ब्लैक मनी जनरेशन का कैसे आप बंद करेंगे? देखिए, दो हिस्से हैं। एक तो बहुत बड़ा जनरेशन जो होता है वो टैक्स इरोजन से होता है, और टैक्स इरोजन में से ही बड़ा करप्शन जन्म लेता है। आपने जो कहा वो ठीक है, हवलदार है या छोटे कर्मचारी वो लेते हैं, उसके लिए कोई रास्ता अभी आगे ढूंढना पड़ेगा, मगर वो रास्ता न मिले तब तक बड़ा रास्ता बंद न करना वो बुद्धिमानी नहीं है। एक दो रास्ते हैं ना, एक बड़ा रास्ता है जो टैक्स इरोजन से बहुत बड़ा ब्लैक मनी जनरेट होता है और उसको बड़ी घुस में दिया जाता है, पॉलिटिकल फंडिंग में बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, और बाकी सब जगह पे करप्शन होता है। और दूसरा है जो छोटा करप्शन, बंद दोनों होने चाहिए, मगर पहले बड़ा बंद होता है तो दूसरा नहीं हुआ तब तक एक क्यों किया, ऐसा अप्रोच ठीक नहीं है। आपकी बात सही है, इस पर भी सोचना चाहिए और इस पर भी कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। आने वाले दिनों में सरकार इसको भी आगे लेकर निश्चित जाएगी।